आपके पसंदीदा नेताजी आपके सामने पधार चुके हैं मंच पर। नेताजी को सुनिए, देखिए इस प्रकार सरकार चलाने की मंशा ये रखते हैं नेताजी। अरे भाई अरे स्टूडियो वालों का नमस्कार करना ही बोली आवे हां नमस्कार करना बोल सिखाऊ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ियों से आए उनको भी नमस्कार, जो दूसरों की बस में ठूस ठूस के आए उनको भी नमस्कार, भाइयों को नमस्कार और उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। और मैं सीएम पद का उम्मीदवार हूँ और ये मैं इनो सुपर हिट नेताजी हूँ, ये मानो असाइनमेंट है। असाइनमेंट कौन सी नेताजी असिस्टेंट हो? अरे भाई ये तो तू है कि मैं नहीं, दोनों हमारा सिक्योरिटी क्वार्टर है। सिक्योरिटी क्वार्टर को नहीं सिक्योरिटी कहा गया नेताजी? अरे ये तो तू ही बन जा आप है नेताजी। चलो आइए नेताजी, आपका हमारे एबीपी न्यूज स्टूडियो में आपका स्वागत है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अरे भाई ये तो स्थान ग्रहण की बात करें, यहाँ पर तो चारपाई भी जी हुई है नेताजी। ये स्टूडियो यहाँ पे चारपाई नहीं चेयर लगाई जाती है। अरे भाई ये चेयर का ही हो रहे छोटी चारपाई हो नेताजी। अच्छा 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 समझ गया, छोटी चारपाई छोटी चारपाई। अरे नेताजी ऐसे नहीं, सही बैठो, पैरों को नीचे रखो। अरे भाई तू मैंने बैठ तो सिखावे गए। चलो ठीक है अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अरे भाई मैंने गाड़ी तो बहुत स्टार्ट की है, क्या स्टार्ट करने की बात करता है? साक्षात्कार नेताजी साक्षात्कार। अच्छा 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 मैं समझ गया, कूत्राकार 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 नहीं नेताजी साक्षात्कार। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मारो जन्म तो इंडिया में हुआ। तो अरे नेताजी इंडिया में कौन से इलाके में हुआ था? अरे भाई तू बेवकूफ है, इलाका तो कुत्तों का होता है, अपने तो इज्जतदार लोग हैं, में पैदा हुए थे। अरे नेताजी मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया के कौन से इलाके की कौन सी गली में हुआ था आपका जन्म? अरे भाई तू तो माँ मुर्गे, चार दिन के बच्चे को थोड़ी पता होता है, उस समय तो अपनी आगे भी बनती। चलो ठीक है नेताजी, इस बात को छोड़िए, अब आपसे कुछ जनरल नॉलेज की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे भाई जनरल नॉलेज का ही हो रहे हैं, सामान्य ज्ञान नेताजी सामान्य ज्ञान। अच्छा 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 समझ गया, सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान। हाँ तो नेताजी अब बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर पहला कदम तो अम्मा स्ट्रांग ने रखा था। अम्मा स्ट्रांग नहीं नेताजी, आर्मा स्ट्रांग ने रखा था। अरे ये तो तू ही जा। नहीं नहीं नेताजी सीधा खड़ा रहे, अधिकारता और 20-20 बाद में बात करता है। चलो ठीक है नेताजी, अब आप ये बताइए कि दूसरा कदम किसने रखा था चांद पे? अरे भाई तू तो बेवकूफ है, क्या वो एक कदम से वो नगरी खेलने गया था? दूसरा कदम भी तो उसी ने ही रखा था। अच्छा चलो ठीक है नेताजी, अब आप ये बताइए कि जो गांव में पिछले साल आग लगी थी उसमें आपका क्या योगदान था? क्या किया था? जो घायल हो गए थे उनको तो अस्पताल, उनको तो शमशान घाट पहुंचा दिया, और जो मर गए थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया, बहुत बड़े बड़े छुड़वाए, और जो घायल होते उनको 50 रुपए मुआवजा दिया। साइंटिस्ट बुलवाए थे कि नेताजी के डॉक्टर बुलवाए थे? साइंटिस्ट तू क्या जाने, और जो मर गए थे उनको 10 रुपए दिए, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अच्छा तो नेताजी अब आप ये बताइए कि गांव में मतलब अभी जो महंगाई बढ़ी उसमें उसका कारण क्या था? कुछ भी बता दो नेताजी। अरे भाई जब से पका रखा गया डीजे भी नहीं लगा सकता नेताजी, स्टूडियो यहाँ पे डीजे नहीं लगाया जाता। अच्छा ठीक है। हाँ तो नेताजी अगर आपको इस बार आपकी जनता ने आपकी सरकार को जिता दिया तो आप जनता के लिए क्या करोगे? अरे मैं जनता के लिए क्या करूं, कहने तो हमारे प्रचार में जो पैसे हुए वो लो और बाद में हमारा परिवार चलाने ठेका दिलाऊं, उसके बाद में थोड़ा कुछ बचे वो जनता में कर दूं, इससे पिछली बार वापस हमारी सरकार आ सके। ये तो भ्रष्टाचार है ना नेताजी। ये बताइए नेताजी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? मारी पार्टी रो चुनाव चिन्ह झूठो। पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं हमारी पार्टी ने संदेश देना चाहूँ कि मैंने भारी बहुमत से विजय बनाए, मैंने
भारी बहुमतों से विजय बनाए, जो शायद से न माने उन्हें दारू पिलाए। इस इंटरव्यू का दिखाना आपका मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि आपको मतदान के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि आपका एक वोट आपके देश, राज्य आदि सभी की तकदीर बदल सकता है। इसलिए आप पढ़ा लिखा और अनुभवी व्यक्ति को चुने, क्योंकि हमारे देश का सवाल है। थैंक यू।